हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और बेटा उसमें था मेरा फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बेटा रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ये मेरा फेज वन था। फेज वन में क्या था बेटा, टीपीपी और एमपीपी इंक्रीजेज एट ए इंक्रीजिंग रेट। अब बेटा इसको समझाने के लिए मैं बता दूं कि इस फेज वन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो अब देर आर थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। पहला बेटा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। दूसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। थर्ड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। तो बेटा जैसे वी अज्यूम दैट वाइल वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन द इनिशियल स्टेज देर इज ए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो इन फर्स्ट स्टेज रिटर्न इज ऑल्सो हाई, कॉस्ट इज ऑल्सो हाई। आई कैन साइट वन एग्जाम्पल, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। इन द फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर से लैंड इज टू लार्ज, वेर एज वेरिएबल फैक्टर्स आर टू फ्यू। सो द फिक्स फैक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज। वेन वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज एंड कम्बाइंड विद द फिक्स फैक्टर, देन फिक्स फैक्टर इज ए बेटर यूटिलाइज एंड आउटपुट इंक्रीजेज एट ए इंक्रीजिंग रेट। तो नाम के ऊपर है बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, बिकॉज यहां पर रिटर्न भी बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है। सेकेंड फेज बेटा, रीजन्स फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था द फर्म वुड लाइक टू ऑपरेट इन फेज टू। अब बेटा देखो, द मेन रीजन्स फॉर अकरेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अमंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर देर इज वन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एट विच टीपीपी इज मैक्सिमम। आफ्टर मेकिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर द मार्जिनल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिगिन्स टू डिमिनिश। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मशीनरी इज एट इट्स ऑप्टिमम यूज वेन फोर लेबरर्स आर इम्प्लॉयड देन एडिशन ऑफ वन मोर लेबर विल इंक्रीज टीपी बाय वेरी लेस अमाउंट एंड एमपी विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स फैक्टर का बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसी फेज में टीपीपी इज मैक्सिमम, एमपीपी इज जीरो। दूसरा बेटा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर अकर्स बिकॉज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अदर। देर इज अ लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कैपिटल और कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ लेबर टिल ए पर्टिकुलर लिमिट, बट बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम लिमिट they become imperfect substitute of one another which leads to diminishing return। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि एक लिमिट तक लेबर को कैपिटल की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते कैपिटल को और लेबर को कैपिटल की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते, बियॉन्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस इट लीड्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ नेगेटिव रिटर्न्स, द फर्म वुड नॉट लाइक टू वर्क इन द फेज थर्ड। अब बेटा रीजंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ फिक्स फैक्टर, कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां पे फिक्स फैक्टर यूज करना बंद कर देता है वेरिएबल फैक्टर के साथ। सेकंड पॉइंट बेटा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। एंड थर्ड बेटा, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इवन दो बेटा आई हैव डिस्कस्ड द नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, बट ओनली फेज वन एंड फेज टू आर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दिस बेटा देर इज अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, and numericals are very very simple. One numericals I am doing for you now. See beta, practicals on TPP, APP, MPP. example 1, calculate average product and marginal product. beta, variable factor 0 1 2 3 4 5, total product 0 8 20 28 28 25 दे रखा है। तो बेटा आप सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, वेरिएबल को वर्टिकल में लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5, टीपी लिख लेते हैं। अब बेटा एपी, एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन
variable factor. 0 upon 1, 0, 8 upon 1, 8, 20 upon 2, 10, 28 upon 3, 9.33, 28 upon 4, 7, 25 upon 5, 5. और बेटा MP निकालना, मैंने पहले बोला था कि मेरा पहला TP और पहला MP सेम होगा, आपने रीजन ये देखना. फिर 20 में से 8 गया 12, 28 माइनस 20 8, 28 माइनस 28 0, 25 माइनस 28 माइनस 3. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट टीपी एंड एपी. अब बेटा वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब एमपी दे रखा है 24, 20, 16, 12, 8, 0, माइनस 8. तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मेरा एमपी दिया हुआ है तो टीपी निकालना है, तो एमपी का सीएफ मेरा टीपी होता है. ये याद रखने के लिए बोले, पहले 24 तो 24 प्लस 20 44, प्लस 16 60, प्लस 12 72, प्लस 8 80, प्लस 0 80, माइनस 8 72. और बेटा एपी निकालना बड़ा आसान है, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर 24 अपॉन 1, 44 अपॉन 2, इस तरह से आप एपी निकाल लो. सो टुडे वी हैव डिस्कस द टू क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चन. थैंक यू.